हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश जीके का पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 5 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि एमपीपीएससी और एमपी पुलिस, जो कि अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जस्ट अभी 1 वीक के अंदर होने वाला है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो आने वाले समय में जुलाई में जो आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एमपी पुलिस में जो एएसआई और कांस्टेबल की पोस्ट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आने वाले जितने भी एमपी के एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पे जीके पूछे जाते हैं एमपी के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम है आपका ग्वालियर। एक स्टेडियम से क्वेश्चन जरूर आता है एमपीपीएससी में हर साल एक क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इस टाइप के एक दो क्वेश्चन अपने स्लाइड्स में लिए हैं वीडियोस में, ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है आपका? तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। राखी की चुनौती है ना, राखी की चुनौती किसकी रचना है? ये एक रचना है, तो ये किसकी रचना है राखी की चुनौती? तो राखी की चुनौती जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। भरथरी, ठीक है, क्या बोल रहा है? भरथरी गायन। भरथरी गायन किस अंचल से संबंधित है? मतलब भरथरी गायन जो है किस अंचल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालवा। किस क्या हो जाएगा इसका आंसर? मालवा। तो भरथरी गायन जो है आपका मालवा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, चक्रधर समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो चक्रधर समारोह जो है वो आपका रायगढ़ में आपका वो किया जाता है, क्या आयोजित किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, रायगढ़ में चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। पिछले दिनों किसकी रचना है? पिछले दिनों किसकी रचना है? तो पिछले दिनों जो रचना है वो है आपकी शरद जोशी की, ठीक, याद रखिए। अगर रचनाएं ज़रूर पढ़ लें एक दो बार बुक से, क्योंकि रचनाएं के ऊपर एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो किसकी रचना है? शरद जोशी की। मध्य प्रदेश में किस नगर में दिल्ली दरवाज़ा स्थित है? मतलब मध्य प्रदेश के, समझ रहे आप, मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाज़ा स्थित है? तो दिल्ली दरवाज़ा कहाँ पर है आपका? मांडू, ठीक है, कहाँ पर स्थित है दिल्ली दरवाज़ा? मांडू। कोल बेड मीथेन पाइप, मतलब कोल बेड मीथेन पाई जाती है कहाँ पे? कोल बेड मीथेन कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ? उज्जैन में, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? उज्जैन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावणी गीत कब गाए जाते हैं? लावणी गीत कब गाए जाते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, रात? तो ये गाए जाते हैं आपके सुबह। कब गाए जाते हैं? सुबह को। तो लावणी गीत जो है आपके सुबह को गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ओक दुआस किस क्षेत्र का गो पूजन पर्व है? ओक दुआस, ठीक है, ओक दुआस किस क्षेत्र का गो पूजन पर्व है? तो ओक दुआस जो है आपका वो है बुंदेलखंड। कहाँ का है? वो है आपका बुंदेलखंड का, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए, 25 भी ऑप्शन है, 50 भी है। अब जो राशि है 50,000 हो चुकी है एकलव्य की, पहले दी जाती थी 25,000 रुपये, ठीक। तो 25,000 अब गलत आंसर है, सही आंसर हो गया आपका 50,000 रुपये। और ये जो है 18, एकलव्य पुरस्कार का मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 18 से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है ना, 18 से कम, नेगेटिव में, मतलब 18 से आपके कम होने चाहिए, ठीक, उन्हीं को मिलेगा एकलव्य पुरस्कार, और 50,000 इसकी राशि है। गुजरी महल किसने बनवाया? गुजरी महल, तो गुजरी महल जो बनवाया वो बनवाया मानसिंह ने। किसने बनवाया गुजरी महल? गुजरी महल बनवाया आपका मानसिंह, ठीक है। तो गुजरी महल किसने बनवाया आपका? मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात किस पे है? नर्मदा नदी पे। केवटी जलप्रपात सबको पता है बीहड़ नदी पे है। केवटी जलप्रपात किस पे है? बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पे और भी हैं, केवटी, मियावन, है ना, केवटी, मियावन, बहुटी, ठीक है, ये सब आपके बीहड़ नदी पे हैं, ठीक है। खपड़ी पानी, खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है?
खपड़ी पानी पहाड़ किस अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका बॉक्साइट। किसके लिए है? बॉक्साइट। तो ये आपको याद रखना है, बॉक्साइट के लिए फेमस है कौन सा? खपड़ी पानी पहाड़। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो एमपी में पूछ रहा है वो, है ना, तो एमपी में है 1077। कितना है? 1077 है। और अगर टोटल बात करें तो कितना है? 1312। ठीक है, 1312 एमपी में है, 1077 और टोटल है 1312। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है चचई, आई थिंक 136 मीटर है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चचई, चचई जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे है? रीवा में। कहाँ पे है? रीवा में। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था? मतलब मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था? तो वो किया गया था बालाघाट। कहाँ किया गया था? बालाघाट में। मध्य प्रदेश में चना उत्पादक जिला कौन सा है? मतलब चना का जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो वो है आपका विदिशा। विदिशा में है ना चना ज़्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में चना उत्पादक जिला कौन सा है? विदिशा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, सबको पता होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हो जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। अंधों का हाथी किसकी रचना है? अंधों का हाथी, तो अंधों का हाथी जो है वो है शरद जोशी की। किसकी है? शरद जोशी की। तो अंधों का हाथी किसकी है? शरद जोशी। सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी आईएमपी। तो मांडू को, ठीक है, मांडू को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? ठीक है, गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो गरुड़ स्तंभ जो पूछ रहा है, तो गरुड़ स्तंभ है आपका विदिशा में। कहाँ पे है गरुड़ स्तंभ? विदिशा में। तो गरुड़ स्तंभ जो है आपका विदिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ठीक है, कब लगाया गया था? ठीक, तो ये लगाया गया था 30 अप्रैल 1977 को। ठीक, 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे? तो ये है आपका मऊ। ठीक है, मऊ यानी कि कहाँ पे है ये? इंदौर के आसपास होगा मऊ। ठीक है आपका, तो ये हमारा पार्ट 6 था। यहाँ पे आप एमपी जीके को इसका पार्ट 5 देख पाएंगे क्लिक करने पे, और जल्द ही पार्ट 7 में अपलोड करूँगा तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप पार्ट 7 भी देख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे पार्ट देखें, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक पूरे देखें, और जैसे ही पार्ट 7 में अपलोड करूँगा तो उसको भी देखें, क्योंकि अभी आने एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिससे आप लोगों को हेल्प मिल पाए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, तो उसके बाद उसको शेयर करें, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करें, व्हाट्सएप अकाउंट पे शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप न्यू यूज़र हैं तो, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा फेसबुक ग्रुप जो है स्कॉलर एलाइट के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप को स्कॉलर एलाइट के नाम से, तो कृपया करके आप उसको ज्वाइन कर लें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और ये सामने दिख रहा होगा आपको www.facebook.com/scholaralight, ये हमारा फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, तो आप इसको टाइप करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि मैं फेसबुक पेज पे भी कुछ जीके के रिलेटेड टर्म्स वगैरह अपडेट देता रहता हूँ, और जो न्यूज़ वगैरह रहती है एग्ज़ाम से रिकॉर्डिंग, जैसे कि एडमिट कार्ड रिजल्ट्स वगैरह, तो फेसबुक पेज पे और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उस पे भी मैं पब्लिश करता रहता हूँ, तो जिससे आप अपडेटेड रहेंगे लेटेस्ट न्यूज़ के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ठीक, चलिए, थैंक यू।